यार ये पराग कहाँ रह गया? इतनी लेट हो रही है ट्यूशन के लिए। अरे बेटा कल वो मेरे 50 रुपए रह गए थे। हाँ भैया मुझे याद है आपके पैसे देने। ये लो भैया। अच्छा भैया मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। अबे यार भैया ने इसे 50 रुपए लिए और इसके एक हाथ में थे 200 रुपए और एक हाथ में 50 रुपए थे, लेकिन इसने डायरेक्ट 50 रुपए कैसे दे दिए? ये अंधी है या अंधे होने का सिर्फ नाटक कर रही है? इसके पीछे पीछे चल कर देखती हूँ। अरे सुनो क्या हुआ? कौन? अरे आप पेड़ से टकरा जाती, आपके चोट लग जाती। वो बाहर जाने का रास्ता इस साइड से नहीं उस साइड से है। थैंक यू, आपने मेरी चोट लगने से जान बचा ली। अरे तुम तो सच्ची में अंधी हो, मुझे तो लगा था कि तुम अंधे होने का नाटक कर रहे हो। मतलब? अरे तुमने भैया को 50 का नोट दिया था, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो 2 नोट थे ना, तो तुमने डायरेक्ट भैया को 50 का नोट दे दिया, तो मुझे लगा कि तुम अंधे होने का नाटक कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई। चलो अच्छा करा आपने मेरा पीछा कर लिया, वरना ना मेरे चोट लग जाती। थैंक यू। अच्छा वैसे आप जा कहाँ रहे थे? वो ना मैं अपने अनाथ आश्रम जा रही हूँ। अच्छा आपने मेरे को चोट लगने से बचाया ना, मैं आपके जीवन भर आवारी रहूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। खेल खेलता है बेचारी। अरे मैं तो जल्दबाजी में उसका नाम पूछना ही भूल गई। चलो कोई नहीं, अगर कभी मिलेगी तो मैं उसका नाम पूछ लूंगी। चलो यार मैं चलती हूँ। ओए रुक, मैं कब से तेरा बाहर मेन गेट पे वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी तू? अरे पराग तू ये सब छोड़, तेरे को पता आज मैं एक लड़की से मिली। अरे हाँ हाँ ठीक है ना, लड़की से मिली, तेरे चक्कर में ट्यूशन के लिए लेट हो गया। अब चल। अब ठीक है चल। ओए वंदना कल से ना टाइम से आ रही हो, आज तेरे चक्कर में मैम से बहुत डांट पड़ी है। हाँ ठीक है कल टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है बाय। चल चल बाय। अरे यार आज तो ये लड़की आई नहीं, मैं इसका कब से वेट कर रही हूँ। फूलों के पास भी नहीं आई, मैं तो स्पेशली यहाँ खड़ी हुई थी कि फूलों के पास आएगी तो मैं इससे थोड़ी बात कर लूंगी। अरे सुनो, अरे सुनो। कौन? मैं वंदना। कौन वंदना? अरे वो जो आपको कल मिली थी। अच्छा। अरे आज आप फ्लावर के पास नहीं आई खेलने के लिए? नहीं वो मैं आज, वो ना आज मेरे को ना जल्दी जाना है। अच्छा चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। ठीक है। अरे मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई थी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दीशु। बहुत अच्छा नाम है। वैसे मुझे तुम्हारे साथ ना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ मैं बनूंगी ना तुम्हारी दोस्त, वैसे भी मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। आज से हम दोनों फ्रेंड्स। हाँ आज से हम दोनों फ्रेंड्स। वंदना मैं ना इधर से अकेले खुद चली जाऊंगी, तू अपने घर चली जा। ठीक है? ठीक है आराम से जाइयो। चल चलते हैं। बड़ी जल्दी आ गई, कहाँ थी देर से? कल तो बड़ी जल्दी कह रही थी कि आज जल्दी आ जाऊंगी। अरे वो मैं दीशु को छोड़ने गई थी इसलिए मैं लेट हो गई। दीशु? ये दीशु कौन है? अरे एक लड़की है बहुत अच्छी है, कल वो मुझे मिली थी, आज मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली। क्या
तूने उससे फ्रेंडशिप कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे ऐसे मत बोल, तेरे को पता है वो बेचारी देख भी नहीं सकती। तो मैं क्या करूँ, नहीं देख सकती तो? दुनिया में इतने लोग हैं जो नहीं देख सकते, तो सबसे दोस्ती करेगी? अरे यार पराग, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? ओ अब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, वो तुझे गुस्सा लग रहा है? हाँ लगेगा क्यों नहीं, नई दोस्त जो मिल गई है। अरे यार पराग, तू भी कैसी बात कर रहा है, चल अब ट्यूशन चलते हैं। अरे दिशु, लगता है मेरा ही वेट कर रही है, चल इसके पास चलती हूँ। दिशु। अरे वंदना तू आ गई? हाँ मैं आ गई। अच्छा वैसे तू मेरा ही वेट कर रही थी ना? हाँ मैं तेरा ही वेट कर रही थी। वैसे तू कब से वेट कर रही थी मेरा? मैं तेरा 1 घंटे से वेट कर रही थी। सॉरी दिशु, तुझे मेरी वजह से 1 घंटा वेट करना पड़ा, चल मॉल चलते हैं। वंदना मुझे ना मॉल नहीं जाना, और वैसे तुझे एक बात बताऊं, आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा आज तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दिशु। थैंक यू वंदना, आज मेरा बर्थडे है और ना मैं चाहती हूँ कि मैं ना अपनों के संग रहूं, लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं है तेरे अलावा, आज क्या तू मेरे संग पूरा दिन रहेगी? हाँ मैं रहूंगी ना तेरे साथ पूरा दिन। चल वंदना वो फूलों वाले पार्क में चलते हैं। चल दिशु, यहाँ देख कितने अच्छे अच्छे फ्लावर हैं। वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हाँ दिशु, वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं, चल चलते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। तुझे मेरे पे ट्रस्ट है ना? हाँ तो चल फिर। वंदना मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना दिशु, मैं तेरे को झुलवाती हूँ, चल नीचे बैठ। लाठ वंदना, आज वैसे बहुत मजा आया ना? हेलो हाँ पराग, पराग आज मैं ट्यूशन नहीं आऊंगी। अरे वो दिशु का बर्थडे है ना इसलिए। हाँ ठीक है बाय। वंदना ये पराग कौन है? पराग मेरा फ्रेंड है, मैं ना तुझे कभी उससे मिलवाऊंगी, चल। दिशु दिशु दिशु, ये दिशु हमारी दोस्ती में बहुत आ रही है, बताना पड़ेगा इसे। सुन वंदना, मैं ना कहीं जा रही हूँ और आज के बाद ना मुझसे मिलियो मत, तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। दोस्ती खत्म? ये क्या क्या, क्या बोले जा रही है तू? जो मैं बोल रही हूँ ना मैं सही बोल रही हूँ, तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे सुन तो। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियाँ, हम पास है फिर भी कितनी है दूरियाँ। पराग चल ट्यूशन चल रहे हैं। वंदना वंदना, मुझे वंदना से बात नहीं करनी। मजबूरियाँ हम पास है फिर भी कितनी है। अरे ये तो अंधी बच्ची है, एक काम करता हूँ इसे उठा ले जाता हूँ, आसपास कोई है भी नहीं, घर के सारे काम करेगी नौकरानी बनके। ओए चल। कौन हो भैया आप? ओए ज्यादा ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चल मेरे साथ मेरे घर। कौन हो भैया आप? ओए कहाँ ले जा रहे इस लड़की को? अबे ओ तेरे से मतलब, चुपचाप अपना मुंह बंद रख। अच्छा मुंह बंद रखूं? अंकल अंकल इधर आओ, दीदी दीदी। अरे यार जल्दी, मैं तो फंस जाऊंगा। अरे तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपने मेरी जान बचा ली। दिशु उस दिन मैंने तेको बहुत ज्यादा सुना दिया था यार, सॉरी उस दिन के लिए, मुझे माफ कर दियो, मुझे लगा था तू मेरी और वंदना की दोस्ती में ना बीच में आ रही है। कोई बात नहीं पराग, तू सॉरी मत बोल, तूने सही टाइम पे आके मेरी जान बचा ली, वरना वो अंकल मेरे को कहाँ ले जाते। चल वंदना के पास चलते हैं।
वंदना, पराग तू और दीशु तेरे साथ? अरे वो ना। ओए चल। कौन हो भाई आप? ओए ज्यादा ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चल मेरे साथ मेरे घर। कौन हो भाई आप? अंकल अंकल इधर आओ। दीदी दीदी अरे यार जल्दी, मैं तो फंस जाऊंगा। अरे दीशु तो ठीक है ना? हाँ वंदना मैं ठीक हूँ, मुझे पराग ने बचा लिया था, अब मैं चलती हूँ। रुक दीशु। वंदना दीशु तेरे से बात नहीं करती ना, वो सिर्फ मेरी वजह से। मतलब? मतलब ये कि ओए दीशु तेरा नाम है? हाँ। वो जो वंदना है ना वो मेरी दोस्त है, और तू तो अंधी है, तूने उसे अपने अंधेपन का सहारा बना रखा है। तुझे पता है ना वो ट्यूशन जाती है, हमारी रोज क्लास मिस हो रही है, पता है इस बार के एग्जाम में वो फेल हो चुकी है, और ये सब ना सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि तू उसे डेली डेली ले जाती है अपने साथ, कभी पारा कभी कहीं, सिर्फ तेरी वजह से ना उसका फ्यूचर खराब हो रहा है। और अब ना उससे बात करने की जरूरत है ना उसके पास घूमने की, अगर मेरे को उसके आसपास दिख गई ना तेरा हाल भी हाल कर दूंगा। चल अब निकल यहाँ से। सॉरी दीशु, सॉरी वंदना। कोई बात नहीं पराग। कोई नहीं पराग। फिर क्या आज से हम तीनों दोस्त बन सकते हैं? हाँ हम तीनों दोस्त बन सकते हैं। चलो तुम दोनों मेरे दोस्त बन जाओ। तो आज से हम तीनों दोस्त। कभी खुशी कभी गम।